गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पार्ट 5 मात्राएं। ओके, हमने पार्ट 4 में व्यंजन रीड किए थे, व्यंजन स्टडी किए थे। बेटा व्यंजन आपको बताए थे मैंने कि वर्णमाला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्वर एंड व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन जो स्वर होते हैं उन्हीं से हमारी मात्राएँ लगती हैं, है ना। वो हम मात्राएँ लगाते हैं किस पर, व्यंजन पर, है ना। तो अब इसमें हम वही मात्राओं के बारे में स्टडी करेंगे कि मात्राएं कैसे लगाते हैं, क्या होती हैं, कैसी होती हैं। शब्दों में रंगीन चिन्हों पर ध्यान दो। क्या है बेटा, इधर शब्द दिए हुए हैं, उसमें क्या है, कुछ रंगीन चिन्ह दिए हैं, तो उसको देखिए। अब इसमें कल, तो कल में कुछ है ही नहीं, इसमें मात्रा ही नहीं है, इसलिए इसमें इसमें कलरफुल भी नहीं है। अब ये है कल पे हमारा जब अ लग गया, अ का डंडा लग गया, का पे क अ, तो क्या बन गया, का। ऐसी ल, ल पे अ का डंडा लग गया तो ल, तो बन गया हमारा काला। ठीक है, हमने ऐसी कल, कल, क्योंकि कल पे हमारी कोई मात्रा नहीं है तो इसे कल बोलेंगे। और कल पे फिर हमारा क आ का डंडा लग गया तो का, ल पे आ का डंडा लग गया तो ल, तो बन गया हमारा काला। ये काला रंग है, तो ये होती है हमारी मात्रा। ये किसकी मात्रा है, अ का डंडा। ठीक है, अ की मात्रा। ऐसे ही क, हमने कल ही लिया है, यही वाला वर्ड चल रहा है हमारा, तो ऐसे ही क पे किसकी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा बनी, तो बन गया क क। ई की मात्रा लगी है तो की, और ल, ल पे अ का डंडा ला, किला। ठीक है बेटा, किला, ये क्या है, किला है ना। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा क ई, बड़ी की मात्रा की ल, कील। ठीक है, सारी मात्राएं इसी पे ही चल रही हैं, कील। ऐसी क उ, छोटों की मात्रा है ये, उ ल ई ली, कुली। क ए की मात्रा है ये, छोटी ए की, ल आ केला। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्णों के साथ लगे रंगीन चिन्ह मात्रा में कहलाते हैं। वर्णों के साथ बेटा जो ये रंगीन चिन्ह लगे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो मात्राओं में बदल जाते हैं। मैंने अभी बताया था ना, स्वर जो होते हैं उनकी लगाते हैं मात्रा, और लगाते किस पे, व्यंजन पे। तो जो स्वर है जैसे कि ई और क, का क्या है, व्यंजन है। ई क्या है हमारी, ई है हमारा स्वर, और क है हमारा व्यंजन। तो जब हमारा ई और क दोनों ये मिले, स्वर और व्यंजन मिले, तो हमारी क्या बन गई, मात्रा बन गई। जो स्वर हैं वो मात्राओं में बदल जाते हैं। तो स्वर हम लिखेंगे नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे कि क ई ल, ऐसे लिखेंगे नो। हम कैसे लिखेंगे, जो ये ई है इसकी मात्रा इस पे चढ़ा देंगे की, जैसे कि हमारी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, आपको शो हो रही है ना, तो इस पे यही है क ई ल कील। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है हमारा, ऐसे ही है मात्राओं में बदल जाते हैं, अस्वर की मात्रा नहीं होती। जो हमारा छोटा आ होता है बेटा उसकी मात्रा ही नहीं होती है। ठीक है, अंग के लिए बिंदु, अंग जो होता है अंग से अंगूर, तो ये जो होता है इसकी बिंदु होता है, इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे ये बा में भी लग रहा है बिंदु, तो इसको बिंदु से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, का प्रयोग होता है। अंग ये क्या है, ओह वो जो चंद्रबिंदु लगता है, ठीक है, तो ये के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, होता है। व्यंजन के साथ जुड़े स्वर मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ जो स्वर जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब व्यंजन के साथ हमारे स्वर जुड़ते हैं तो वो मात्राओं में बदल जाते हैं, तो व्यंजन के साथ जुड़े स्वर मात्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21, स्वर मात्रा और उससे बनने शब्दों को चित्रों के साथ देखो, समझो और पढ़ो। स्वर मात्रा और उससे बने शब्दों को क्या देखो, चित्रों के साथ देखो, समझो और पढ़ो। ठीक है, अब ये क्या है, अ, अ से अभी हमने बताया कि आपको कि अ से कोई आ की मात्रा नहीं होती है, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है ना। तो जैसे ये है कमल, कमल, इसमें मात्रा लगी नहीं है। ऐसे न मन, नमन। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट है अ, बड़ा आ, तो इसकी मात्रा हमारा कैसे लग जाती है, माँ की मात्रा डंडा के, एक डंडा खींच के। ठीक है,
आकार डंडा कहते हैं ना इसको, तो ये क्या होती है, आ की मात्रा। ऐसे ही जैसे हम लिखेंगे न व, तो न पे जब हम आकार डंडा चला देंगे तो हो जाएगा ना, नाओ, ठीक है, नाव। एंड नेक्स्ट है हमारा ऐसे तारा, तो त पे ये जो कलरफुल चढ़ी है ये क्या है, आ की मात्रा। ऐसी रा पे जो चढ़ी हुई है ये क्या है, आ की मात्रा, तो तारा। ई, ये छोटी, छोटी की मात्रा ऐसे चढ़ाते हैं, ठीक है। इसका बेटा छोटी हो बड़ी में कोई कंफ्यूजन मत करना, ओके। छोटी की जो मात्रा है हमारी कैसे आती है, वो इस साइड से आती है, और बड़ी की मात्रा इस साइड से आती है, ओके। अब जैसे कि छोटी की मात्रा क्या है, ग ई, जो इधर से चढ़ी है तो वो गी ला आस, गिलास, ओके। क ई त आव, किताव। ऐसी बड़ी, बड़ी में कैसे चढ़ाई, च ईल, चील। इसको हम जब बोलते हैं तो कैसे, मैंने आपको पहले भी समझाया जब स्वर पढ़ाए थे, तो जब इ ई, ठीक है, छोटी को इ एकदम से बोलेंगे, छोटे से साउंड करेंगे इ, और इसको ई, इसको आराम से बोलते हैं ई, इसलिए गिलास, और इसे चील, चील में थोड़ा सा ई को हम प्रेशराइज कर रहे हैं, चील। ऐसे ही सीढ़ी, स ई, बड़ी की मात्रा है ड ई, सीढ़ी। ऊ, ऊ क्या है बेटा, छोटा ऊ है ये, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है बेटा, वो इधर लगती है, ओके। जैसे कि ग ऊ बारा, गुब्बारा, गुड़िया, ओके। ऐसे ही बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा इस साइड लगती है, च ऊ ह आ, चूहा। एंड फ उल, फूल। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, पेज नंबर 22। नेक्स्ट पेज क्या बेटा, री। ऐसे ही री, री को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम नीचे हल्का सा सी बना के, ये क्या हो गया मेरी री। जैसे कि त र, इस पे री लिखी हुई है, त्र ती। नेक्स्ट है पृथ्वी, प पे भी डाल गया तो पृथ्वी, इसमें रा वैसे नहीं लगाएंगे हम, ये है री, री की मात्रा तो री, पृथ्वी। ऐसे ही ए, अब छोटी ए है, तो छोटी ए को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर, इसमें डंडा नहीं आता बेटा, डंडा आ जाएगा तो वो छोटे ओ की मात्रा बन जाएगी, इसलिए छोटे ओ की नहीं लगानी हमें, ए की लगानी है, तो ओनली हम इसको सिर्फ ऐसे कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये ठ एला, ठेला। क एला, केला, ओके। सिर्फ सिंगल मात्रा आती है, इसके ऊपर से चढ़ जाती है जो व्यंजन होता है उसके ऊपर। बड़ी ए, बड़ी ए में क्या, जैसे हमने छोटी ए में सिंगल लगाई थी, बड़ी ए में हमारा क्या है, डबल आ गई, वन टू। ऐसे मैना, मैं ए न आ, मैना। पैसा, प ए स आ, पैसा। अब ये है हमारी छोटी ओ, छोटी ओ की मात्रा कैसे आएगी, ये आई छोटी ओ, छोटी ओ में जैसे छोटी ए बनाई थी, तो छोटी ए में हमारा हमने ऊपर ही बनाया था, अब इसमें क्या है, मैंने बताया था आपको, डंडा लग जाता है तो छोटी ओ की बन जाती है, तो इसमें डंडा लगा दिया तो क्या बन गई, छोटी ओ। छोटी ओ से क्या होता है, ब ओ, ओ की मात्रा लगाई तो बोतल। ऐसे क ओ यल, कोयल। नेक्स्ट देखिए बड़ी ओ, औ में क्या है, दो मात्रा लगाते हैं, अब इसमें भी हमने डंडा, डंडा हमारा बेटा सिंगल ही लगेगा, कभी आप डंडा भी डबल लगा दो, ठीक है, डंडा में सिंगल ही लगाना है। एंड बड़ी ओ, ठीक है, तो प ओ धा आ, पौधा। क ओ आ, कौआ। प, अब इसमें क्या है, अंग, अंग की बिंदी का यूज़ हो रहा है बेटा, अंग की बिंदी हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, प त ग, अब पतंग, पतंग तो कुछ नहीं होता, तो अंग की बिंदी लग गई त पे, तो पतंग, अंग। इसका स्वर मैंने जब आपको स्वर रीड करवाए थे तब मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताया था कि आपको कैसे बोलना है, अंग, उंग, थोड़ा नाक से टच होके ही बोलते हैं पतंग, ठीक है। ऐसे ही रंग, हल्का सा न का साउंड आता है रंग। ऐसे नेक्स्ट है हमारा चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु का कैसे, जब हमारा मिक्स होता है चंद्रबिंदु तो हमारा मुँह खुल जाता है ना, जैसे कि अ, अ पे बड़ा अ, और ये चंद्रबिंदु लगाया है तो आँख, नाक से चंद्रबिंदु टच हो रहे हैं, आँख, आँख में हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। ऐसे ही दांत, द आ और चंद्रबिंदु त, दांत, ओके।
नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंड. ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे.